तो जब भी दो फ्रेंड होते हैं हम क्या करते हैं, एक को यू मानते हैं दूसरे को वी मानते हैं, तो और फिर अब क्लच करते हैं। देखिए डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स। ये सब तो आपने पार्ट वन में सीख ही रखा है। ठीक, अब हमारे पास यू ये है, ये वी है। ठीक है बच्चों, चूंकि यू के स्थान पर क्या है बेटा, एक्स की पावर साइन एक्स, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हमें क्या लेना होगा बेटा, लॉग लेना होगा। लॉग लेने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग यू, और ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। आपको पता है बेटा लॉग एम की पावर क्या होता है, एन लॉग एम, है ना। तो ये जो साइन एक्स पावर में वो क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग एक्स। इस तरफ हमारा क्या है बेटा, लॉग यू। ये फलन हमारा सिंपल हो गया है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये द्वितीय फंक्शन है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू क्या हो जाएगा बच्चों, वन अपॉन यू, और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का अवकलज, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, तो पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो योग गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, सॉरी बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा साइन एक्स, और लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स तो यहाँ वैसे का वैसे, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉश एक्स। आप इस एक्स से इस एक्स को काट मत देना है, ये अलग चीज़ है, ये एंगल का एक्स है। और हमें क्या करना है, यू का मान रखना है। यू का मान क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टे में एक्स, और ये है लॉग एक्स गुणे में कॉश एक्स। समीकरण नंबर दो, ठीक है, ये हमें डी यू बट्टे डी एक्स का मान मिल गया। अगेन पुनः हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, वी बराबर हमारे पास क्या है, साइन एक्स की पावर कॉश एक्स। साइन एक्स की पावर कितना है बेटा, कॉश एक्स। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम क्या लेंगे बेटा, लॉग लेंगे दोनों तरफ। लॉग लेने पर तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग वी, और यहाँ पर भी लॉग लेंगे साइन एक्स की पावर क्या है बेटा, कॉश एक्स। तो जो पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है, सामने। फलन हमारा सरल हो गया, अब मैं क्या करना है बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलज। ठीक, ये लिख देंगे, और ये हमारे क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलन की गुणा हो रही है। लॉग वी का अवकलज क्या होगा, वन अपॉन वी, और वी का क्या हो जाएगा बेटा, डी वी बट्टे डी एक्स। यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे, है ना, गुणा फर्स्ट का अवकलज। ठीक है बच्चों, सो देखो बेटा, ये भी यहाँ पे क्या था बटन, ये बट्टे भी था, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, कॉश एक्स। लॉग साइन एक्स का प्लस क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स, है ना बेटा। और साइन एक्स का प्लस पहले लॉग का हुआ, अब किसका होगा, साइन का। साइन का प्लस क्या होता है बेटा, कॉश एक्स। और यहाँ पे बेटा लॉग साइन एक्स तो वैसे का वैसे रहेगा, और कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, थोड़ा और सरल करना है हमें। अब क्या होगा बच्चों, यह है डी वी बट्टे डी एक्स, और यहाँ पर वी का मान रख देंगे, वी का मान क्या है बेटा, साइन एक्स की पावर कॉश एक्स। ठीक है, ये वी का मान रख दिया। देखो कॉश बट्टा साइन क्या होता है बेटा, कॉट एक्स गुणा क्या है, कॉश एक्स। प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स
बड़े भाई लॉक शाइन एक्स। ठीक है, ये आपका क्या गया डी वी बट्टे डी एक्स का मान। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 2 से और 3 से उठाकर कहाँ रख देना है, यहाँ पर बस रख देना है। ठीक है ना, और रख दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन आराम से। ठीक है, इसी तरीके से कर रहे थे हम पहले पार्ट में, तो हमने ऐसे ही सारा किया है, आपको पता ही होगा। सेकंड पार्ट में आ जाओ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। ठीक, 10वां क्वेश्चन क्या दिख रहा है बेटा, माना वाई बराबर एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। दो पदों की योगफल है, तो क्या हम करते बेटा, यू भी मान लेते, ये यू के बराबर है, ये वी के बराबर है, और फिर अवकलज करने पर क्या होता है बेटा, डी यू बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, देखते हैं आपका जो यू है बेटा वो किसके बराबर है, एक्स की पावर में एक्स कॉश एक्स के बराबर है। ठीक है, तो लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग यू और लॉग एक्स की पावर में क्या है बेटा, एक्स कॉश एक्स। तो यहाँ से एक्स कॉश एक्स सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये द्वितीय फंक्शन हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये लॉग यू का अवकलज क्या होगा, 1/u, और ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। ठीक, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट वैसे का वैसे गुणा सेकेंड का फलज प्लस सेकेंड वैसे का वैसे गुणा फर्स्ट का फलज। ठीक है, सो देखो बच्चों, यहाँ एक्स कॉश एक्स वैसे का वैसा और लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1/x, एक्स एक्स कटा, लॉग एक्स वैसे के वैसे इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का फलज, पहला वैसे के वैसे दूसरे का फलज, कॉश एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस सेकेंड वैसे का वैसे पहले का फलज, एक्स का प्लस क्या होता है 1, डी यू बट्टे डी एक्स। देखो ये बट्टे में इधर आके गुणे में आता है, फिर हमें यू का मान रखना होता है तो हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, यू का मान क्या जाएगा, एक्स की पावर एक्स कॉश एक्स। यहाँ से क्या बचा, सिर्फ कॉश एक्स। ठीक है, अब लॉग एक्स हम अंदर गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स शाइन एक्स गुणे में क्या लग जाएगा बेटा, लॉग एक्स प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा कॉश एक्स गुणे में लॉग एक्स। ठीक है, ये हमें मिल चुका है डी यू बट्टा डी एक्स। अगर आपको किसी पार्ट्स में कोई दिक्कत हो बेटा, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये डी यू बट्टा डी एक्स मिल गया, अब हमें निकालना है अगेन वी, हमारे पास क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किस रूप में है बेटा, ये अंश बट्टे हर के रूप में है ना। तो शूद अवकलज करेंगे डी वी बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, अंश बट्टे हर वाला शूद लगाओगे, हर वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा गुणे में 2x, और 1 का अवकलज क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे, ये भी क्या हो जाएगा बेटा,
एक्स स्क्वायर का प्लस टू एक्स और वन का प्लस क्या जीरो, और बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सरल कर लो तो यहाँ से टू एक्स उपनिष्ठ है, टू एक्स उपनिष्ठ निकालो, यहाँ से एक्स माइनस का वन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर माइनस का कटा, ठीक है टू एक्स तो दोनों से उपनिष्ठ आ गया, ये माइनस के वन और ये माइनस के वन, ये हो जाएगा माइनस के टू। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, थोड़ा और हल करो, दो दूनी चार, माइनस के फोर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है ये डी वी बट्टे डी एक्स है, ये डी यू बट्टे डी एक्स है, इन दोनों के मान को उठाना है और यहाँ पर रख देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है मान रख दोगे, बस मान ही रखना है और कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा दसवां क्वेश्चन भी बन गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, माना वाई हमारे पास है एक्स कॉस एक्स की पावर में एक्स, और प्लस में है एक्स शाइन एक्स पावर में है वन बाई एक्स, तो वही इसको हम क्या मानेंगे बेटा, ये यू है ये वी है, अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स और ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक u हमारे पास क्या है बेटा x की पावर cos x, सॉरी x cos x पावर में x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग u और ये लॉग x cos x की पावर x, तो जो पावर में होता है वो कहाँ आता है बेटा सामने। ठीक है ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो गया, हम क्या करेंगे बेटा अवकलज करेंगे एक्स के सापेक्ष, अवकलज करने पर। ठीक है बेटा तो लॉग यू का क्या हो जाएगा वन अपॉन यू और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एंड सेकंड लगा दो, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे, गुणा पहले का अवकलज, सूत्र में रख दिया, अब हल करना है। देखो लॉग एक्स का अवकलज वन अपॉन एक्स होता है, एक्स की जगह पर क्या बेटा एक्स कॉश एक्स, ठीक है ये तो इसका अवकलज होगा, अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज होगा, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे बड़े दूसरे का प्लस कॉश एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स, ठीक है हाँ प्लस दूसरा वैसे का वैसे और पहले का प्लस एक्स का प्लस वन एक्स एक्स का टर्म, ठीक है और यहाँ से तो लॉग ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा और एक्स का प्लस कितना होता है यू इधर बट्टे में है, देखो बेटा इधर आके गुड़े में आ जाएगा है ना यू, यहाँ से क्या बचा देखो बच्चों, ये जो कॉस एक्स दोनों के बट्टे में आएगा, इसके बट्टे में भी आएगा और इसके बट्टे में भी आएगा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है बेटा टेन एक्स, कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा एक बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है u का मान रख दो, u का मान क्या है बेटा x cos x की पावर x, ठीक है तो ये हमें du बट्टे dx का मान मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है बेटा v के लिए करना है, दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, v वी हमारे पास क्या बेटा एक्स शाइन एक्स की पावर वन बाई एक्स, ठीक
ठीक है, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग वी और लॉग एक्स साइन एक्स की पावर में 1/x, जो पावर में होता है वो बेटा सामने आ जाता है। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, सो लॉग वी का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा 1/v, और वी का अवकलज क्या होता है dv/dx। फर्स्ट एंड सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख रहे हैं हम पहले। ठीक है, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, हल करते हैं। 1/x, देखो लॉग एक्स का क्या होता है बेटा 1/x, और ये एक्स की जगह पर है, 1 के अपन में आ जाएगा एक्स साइन एक्स। इसका हुआ अब अंदर वाले का अवकलज होगा, तो पहला वैसे का वैसे बोले दूसरे का अवकलज, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा कॉस एक्स, दूसरा वैसे का वैसे और एक्स का अवकलज क्या होता है 1 गुणा पहले का अवकलज। हो गया, अब इस पे आ जाओ, ये तो वैसे का वैसे ही रखना है, लॉग एक्स साइन एक्स और 1/x का अवकलज क्या होता है माइनस के 1/x2। ठीक है, अब इस 1/x से इधर गुणा करोगे, जब से अंदर आओगे ना तो एक एक्स से तो एक एक्स कट जाएगा, कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा कॉट, और अपोन में ये क्या है बेटा एक्स। फिर अंदर जब इधर आओगे साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, एक्स और एक्स 1/x2 बचेगा। ठीक है, ये वाला सिर्फ इसी के लिए था, और ये प्लस माइनस क्या है बेटा माइनस, यह है लॉग एक्स साइन एक्स बट्टे में क्या बेटा एक्स स्क्वायर। ये वी गुणे में था, सॉरी बट्टे में था, गुणे में आ जाएगा, और फिर वी का मान रख दो, वी का मान क्या बेटा ये एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। साइन एक्स की पावर 1/x ये हमने मान रख दिया, कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/x2 माइनस। ठीक है, ये हमें dv/dx मिल गया। आपको क्या करना है, समीकरण एक में du/dx का मान और dv/dx का मान जो अभी आपने निकाला है, ये dv/dx का मान है, ये dv/dx का मान है, बस उठाकर यहाँ पर रख देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy/dx ज्ञात करना है। आपको dy/dx ज्ञात करना है इन सभी फंक्शंस में। पहले वाले पे आ जाते हैं, ठीक है, तो देखो बेटा ये 12 है, ये x की पावर y है, ये y की पावर x है, ये 1 है। ठीक है, ये फलन है, तो अगर मैं इसको u बोलूँ और इसको मैं v बोलूँ, ये 1 है, दोनों तरफ अवकलज करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये हो जाएगा du/dx और ये हो जाएगा dv/dx, और जब हम 1 का अवकलज करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में dy/dx निकालना है, आपको यहाँ आपकी बार मान रख के हल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो बेटा क्योंकि छोटा छोटा है ना, दोनों पार्ट्स यहीं पे हो जाएंगे, तो हमारे पास u जो है बेटा x की पावर y है। ठीक है, x की पावर y है, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे लॉग ले लेंगे, लॉग लेने पर ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग यू, ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई, तो वाई सामने आ जाएगा,
ये लॉग एक्स, ठीक है ना बेटा, ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन आप क्लच कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। सो लॉग यू का तो क्या होगा बेटा, वन अपॉन यू डी यू बट्टे डी एक्स, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड लगेगा, फर्स्ट वैसे का वैसे, लॉग एक्स का प्लस क्या होता है पूरा लिख के दिखाते हैं, गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, ठीक है। सो ये वाई लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, वन अपॉन एक्स, यहाँ से लॉग एक्स और वाई का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। यू इधर क्या है बेटा, गुणे में बट्टे में, इधर गुणे में आ जाएगा, हम क्या करेंगे बेटा डी यू, यू का मान रख देंगे, यू का मान क्या है एक्स की पावर वाई, ये मैंने रख दिया, ठीक है। ये हमारा डी यू बटा डी एक्स आ गया, ये मान अब की बार रख के पूरा हल करके देखना पड़ेगा क्योंकि हमें डी यू बटा डी एक्स निकालना है। अब दूसरे वाले में आ जाओ, पुनः पुनः देखो बेटा, v हमारे पास क्या है y की पावर x है ना, तो देखो लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा लॉग v और डायरेक्ट कर रहे हैं x सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y है ना। अब क्लच करेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, और इसमें लगा दोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, पहला गुणे दूसरे का फल, लॉग वाई का प्लस करोगे तो वन अपॉन वाई आएगा और वाई का प्लस क्या होगा बेटा डी वाई बट्टे डी एक्स, दूसरे का प्लस हो गया दूसरा वैसे का वैसे गुणा एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, ये बट्टे में है इधर आके गुणे में हो जाएगा है ना, और वी का मान मैं डायरेक्ट रखता हूँ वाई की पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा लॉग वाई, ठीक। ये मैं डी वी बट्टे डी एक्स मिल गया, ये डी वी बट्टे डी एक्स, इन दोनों मान को अब समीकरण एक में रखना पड़, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, डी यू बट्टे डी एक्स तथा डी वी बट्टे डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो ये डी यू बट्टे डी एक्स है, ये मान देखो एक्स की पावर वाई है ना, तो गुणा करते हुए रखो साथ में, ठीक है। और ये हमारा डी वी बट्टे डी एक्स का मान है, उठा कर यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। वाई की पावर एक्स को दोनों पदों में गुणा कर दिया, यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स से उभयनिष्ठ निकाल लूँ, तो यहाँ से क्या बचा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और यहाँ से बचा वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन वाई, बाकी जो दो टर्म है सिंपल के उठा के उधर ले जाओ, एक्स की पावर वाई वाई अपॉन एक्स, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है। ये गुणे में है, इस तरह आगे बट्टे में हो जाएगा, माइनस उपनिश ले लो, गुड़े में ना इधर आगे बट्टे में आ जाएगा, ये मैं हमारा आंसर दे देगा, ये हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स आ गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया बार बार क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन,
वाई की पावर एक्स और एक्स की पावर वाई है। डीवाई बटा डी एक्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बराबर है ना, दोनों तरफ लॉग ले लो, प्लस प्लस में नहीं है, लॉग लेने पर तो देखो लॉग लेंगे तो लॉग वाई की पावर एक्स लॉग एक्स की पावर वाई, जो पावर में होता है बेटा वो सामने आ जाता है। है कि नहीं? फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ अपक्रच करने पर ये इसमें फर्स्ट ये सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड का क्लच प्लस सेकंड वैसे का वैसे गुणा फर्स्ट का क्लच। ठीक है, ये वाला भी भाई पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का क्लच दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का क्लच। सूत्र में रख दिया, सो यहाँ से देखो बेटा लॉग वाई का क्लच वन अपॉन वाई और वाई का क्लच क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, लॉग वाई वैसे का वैसे ही और एक्स का क्लच वन होता है, लॉग एक्स का क्लच वन अपॉन एक्स और यहाँ से आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, ये प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, ऊपर निकालो यहाँ से क्या बचा बेटा एक्स बट्टे वाई, ये प्लस का है इधर के माइनस का होगा ऊपरिष्ट आ जाएगा लॉग एक्स, ऊपरिष्ट डी वाई बट्टा डी एक्स निकालोगे तो लॉग एक्स बचेगा, यहाँ क्या बेटा वाई बट्टे एक्स, तो ये लॉग वाई प्लस का इधर के क्या हो जाएगा लॉग वाई माइनस का। यहाँ पर है वाई बट्टा एक्स माइनस के लॉग वाई और ये गुड़े में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं, सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां भी ऐसे ही होगा। 14वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इधर है कॉस एक्स की पावर में वाई, ठीक है, और यहाँ है कॉस वाई पावर में एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ क्लच करने से पहले लॉग लेना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेके दिखाते हैं। ठीक है, जो पावर में होता है वो पहले बेटा सामने आ जाता है, ठीक चीज हो गई। अब इसमें एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्लच कर लूं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये फर्स्ट फलन ये सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड। ठीक है, सूत्र आपको बताइए, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, इधर भी वही लगाना है, पहला गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया, अब हल करना है y log cos x, तो क्या हो जाएगा बेटा वन अपॉन cos x और cos x का जब अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के sin x। ठीक है, लॉग कॉश एक्स की तो वैसे का वैसे ही
और वाई का प्लस क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स लॉग कॉस वाई, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस वाई। फिर कॉस वाई का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन वाई, और वाई का करोगे तो क्या जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, पहले को लॉग का हुआ, फिर कॉस का हुआ, फिर वाई का हुआ। दूसरा वाला टर्म लॉग कॉस वाई, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और एक्स का प्लस कितना होता है, वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करते हैं। साइन बट्टा कॉस, माइनस के टेन एक्स, प्लस में है लॉग कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। साइन बट्टा कॉस माइनस के और टेन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, प्लस में लॉग कॉस वाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई बट्टे डी एक्स को एक तरफ रखूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ से अगर डी वाई बट्टे डी एक्स को बनिश निकाल लें तो यहाँ से बच जाएगा लॉग कॉस एक्स, और ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा। डी वाई बट्टे डी एक्स को बनिश निकाल लो तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स टेन वाई, और इधर क्या बचा, सिर्फ लॉग कॉस वाई। ठीक है, और ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई टेन एक्स। ठीक, हमें डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है, तो ये गुणे में है, इधर के बट्टे में हो जाएगा, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं ये सब, बस आपको गुणा भाग आना चाहिए अच्छे से, गुणा भाग मतलब डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। ये आ गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं पंद्रह नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स इंटू वाई है और ए की पावर एक्स माइनस वाई है। ठीक है, सो देखो बेटा यहाँ एक्स वाई है, यहाँ लिख सकते हो दिया है एक्स वाई, और यहाँ ए की पावर एक्स माइनस के वाई है। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, सो ये लॉग इधर ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लॉग ए की पावर एक्स जो होता है एक्स होता है, और यहाँ एक्स की जगह पर एक्स माइनस वाई है, और आपको पता है लॉग एम इन टू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा लॉग एक्स, ये हो जाएगा लॉग वाई, और यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, एक्स माइनस के वाई। लॉग ए की पावर एक्स जो पावर में होता है वही आता है। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों तरफ, तो देखो बेटा लॉग एक्स का प्लस क्या होगा, वन अपॉन एक्स, लॉग वाई का क्या होगा, वन अपॉन वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। एक्स का प्लस क्या होगा, एक, और वाई का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। कितना आसान क्वेश्चन बन गया, डी वाई बट्टा डी एक्स क्या निकालो बेटा, वनिस्ट, यहाँ से क्या बचा, वन अपॉन वाई, ये पूरा इधर आ जाएगा, इसका गुणज कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, एक है। ठीक है, यहाँ से वन बचा, ये प्लस का वन अपॉन एक्स, इधर आके क्या होगा, माइनस के वन अपॉन एक्स। ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। ये हमारा डी वाई बटा डी एक्स हमें मिल गया, इतना आसान क्वेश्चन था, देखते ही देखते हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन एक्स है, इसका अवकलज ज्ञात कीजिए और इस प्रकार एफ डैश वन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अवकलज करने के बाद ना एक्स की जगह पर एक रख देना है। दिया है क्या बेटा,
जो मेरा फलन है एफ एक्स, ये हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है बेटा, ये दे रखा है। सो दो या दो से ज़्यादा फलन का गुणा है तो हम क्या ले लेंगे, लॉग। तो जब लॉग लेंगे तो इधर लॉग एफ एक्स होगा, है ना। एफ एक्स को वाई की जगह पर भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, और ये भी लॉग एक्स है। अब लॉग एम जितने भी पद गुणे में होते हैं सारे प्लस में आ जाते हैं, तो ये लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस लॉग 1 पावर एक्स की पावर 8 हो जाएगा, है ना। और इधर हमारा क्या है बेटा, लॉग एफ एक्स। एफ एक्स को तुम वाई भी मान सकते हो, तुम्हें जो सही लगे वो करो। अब यहाँ मैंने लिख दिया x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो log y है तो क्या होता है बेटा, 1 अपॉन fx होगा, और fx का अवकलज क्या होता है, f डैश x, ठीक। अब इधर अवकलज करेंगे, log जो भी होता है वो 1 के अपॉन में आ जाता है, 1 प्लस एक्स, और इसका दोबारा आप क्लस करोगे तो एक ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर भी वही होगा, 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब दोबारा आप क्लस करोगे, 1 का देखो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का आप क्लस कितना हो जाएगा, 2x। ये log x ये बट्टे में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4, और 1 का आप क्लस फिर से करोगे 0, एक्स की पावर 4 का करोगे तो 4x³। 1 के अपॉन में 1 एक्स की पावर 8, और 1 का 0 एक्स की पावर 8 का क्या हो जाएगा, 8x की पावर 7, ठीक है। देखो बेटा एफ डैश एक्स निकालना है ना हमें, ये एफ एक्स बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो यहाँ से क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x³ और 8x की पावर 7, 1 प्लस एक्स की पावर 8। हमें यहाँ पर एफ एक्स का मान रखना होगा, ये हमारा एफ एक्स का मान है, ठीक है। एफ एक्स की जगह पे मान रख देंगे हम 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ये क्या है, इन मानों को रख दो, 1 प्लस एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल बन गया एकदम क्वेश्चन, 8x की पावर 7 बट्टे में 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो ये तो मेरा एफ डैश एक्स आ गया। पहले यही काम करने के लिए बोला था कि भैया एफ डैश एक्स निकालो, फिर क्या बोला है, एफ डैश 1 निकालो, यानी कि x बराबर 1 रखने पर एफ डैश 1 निकालना, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना आपको वहाँ वहाँ 1 रख दो, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर, जहां जहां मुझे एक्स दिख रहा है वहां वहां मैं 1 रख दे रहा हूं, और आपको पता है बेटा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है ना, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ये 2, ये भी 2 आ जाएगा, ये 2 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, ठीक है। ये आएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा 2/2, यहाँ से आ जाएगा 4/2, और यहाँ से आ जाएगा 8/2, ठीक है। 2 1 2 2 2 2 4 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। 1/2 प्लस 7, एलसीएम ले लो कि 2 आ जाएगा लॉस ऑफ, 2 7 14 और 1, 16 × 15/2, 2 8 16 कितना जाएगा, 120, ठीक है। तो एफ डैश 1 का मान कितना होगा, 120 होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को तीन तरीके से करना है। ये हमारा एक फंक्शन है, इसको गुणनफल नियम द्वारा करना है, इसको गुणनफल के विस्तारण मतलब प्रसार कर देना है, और फिर लॉग लेके करना है, लघुगणक के द्वारा करना है। तो एक क्वेश्चन को तीन मेथड से करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक एक क्वेश्चन पहला वाले मेथड पे आते हैं। ठीक है, ये माना कि ये वाई है, वाई बराबर है एक्स के स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8, और दूसरा है एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस के 9। पहला वाला मेथड का नाम क्या, फर्स्ट मेथड से हम कर रहे हैं गुणनफल नियम। गुणनफल नियम में क्या होगा बेटा, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन। ठीक है, अब क्लच करेंगे एक्स के सापेक्ष, अब क्लच करना है पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का फलन। ठीक है, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का फलन। पहला क्या है बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8। हल करते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा, एक्स की पावर 3 का क्या होता है बेटा, 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम 7। एक्स का तो बेटा अब क्लच 1 होता है, तो 7x का 7 होगा, और 9 का क्या होगा बेटा, 0, कांस्टेंट का क्लच 0। क्योंकि यहाँ तक पहुँच चुके तो आपको अब क्लच तो बिल्कुल आता ही होगा। एक्स स्क्वायर का क्लच क्या हो जाएगा बेटा, 2x, 5x का प्लस 5, और 8 कांस्टेंट का प्लस 0। ठीक है, अब इसको बस हल कर दूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8, यहाँ से क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इधर से 2x माइनस के 5। गुणा कर लेना, गुणा भाग गुणा करके जोड़ लेना, इतना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, आगे अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो गुणा 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 करके तुम जोड़ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मेन मुद्दा क्या है वो मैंने बता दिया। दूसरा मेथड क्या बोला है, विस्तारण। विस्तारण का मतलब पता है क्या है, ये जो वाई हमें दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर, पहले इसको पूरा गुणा करना है। ठीक है, पूरा गुणा करके फिर करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा करें, एक्स की घात 5, ये हो जाएगा 7x क्यूब और प्लस के 9x स्क्वायर। 5x से करोगे 5x की पावर 4 हो जाएगा माइनस के, प्लस माइनस माइनस 5×7=35, एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर, और 5×9=45 एक्स। ठीक है, अब 8 से करोगे प्लस 8x क्यूब, 8×7=56 एक्स, और 8×9=72। ठीक है, तो अब क्लच कर देंगे, या थोड़ा और सरल कर लो, ये एक्स की पावर 5 है, एक्स क्यूब यहाँ है, यहाँ एक्स क्यूब है, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 एक्स क्यूब, 9x² 35x². ठीक है, 35 में से प्लस का 9 घटा दोगे, 30 में से 4 घटेगा तो 26 आ जाएगा, माइनस के 26x², 5x की पावर 4, और कहीं x की पावर 4 दिखा नहीं, यानी दो 5x की पावर 4, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस के 45x और ये 56x। ठीक है, तो कितना बचेगा, प्लस के 11x, और ये प्लस के 72। ठीक है, ये हमारा वाई था, अब हमें क्या करना है, अब क्लच करना है dy/dx, क्या हो जाएगा, ये 5 सामने एक पावर कम, 3 सामने एक पावर कम, ये हो जाएगा 2x, एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x³, 11x का 11, और 72 का कांस्टेंट है 0। तो
ये आ जाएगा 5x की पावर 4, 15 का 15, 45, 26 दुनी 52, एक्स 5 चौके 20, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इस अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, यही आंसर आएगा, आप ये उठा कर यहाँ लिख देना। अब आ जाओ थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हमारा क्या है बेटा, लघु गणकीय। लॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु गणकीय। लॉग लेना है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाई है ठीक है, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग वाई तीनों मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ। सो इधर पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग एम इन टू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन माइनस के 5x प्लस के 8, और लॉग x³ + 7x + k₂। ठीक है, ये फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ अब क्लच करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देखो बेटा, लॉग वाई का क्या होगा, 1/y, और y का प्लस क्या होता है, dy/dx। ये log x का प्लस क्या होता है, 1/x, जो भी x की जगह पर ये बट्टे में आ जाएगा ना। ठीक है, और इसका फिर से प्लस होगा, x² का प्लस क्या होता है 2x, 5x का हो जाएगा 5 और 8 का हो जाएगा 0। log x का होता है 1/x, x की जगह पर ये है, और फिर इसका क्लच होगा x³ का हो जाएगा 3x² + 7x9 का हो जाएगा 0। ठीक है, ये बट्टे में भाई इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। ठीक, और यहाँ से क्या बचा, 2x - 5 बट्टे में x² - 5x + 8, यहाँ से है 3x² + 7x बट्टे में है x³ + 7x + 9। वाई गुड़े में होगा, वाई का हमें मान रखना पड़ेगा, वाई इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी। सो देखो क्या होगा बेटा, तो वाई इसके साथ भी गुड़े में आएगा, इसके साथ भी। वाई का मान क्या है, x² - 5x + 8x³ + 7x + 9 है ना, यह है 2x - 5 बट्टे में x² - 5x + 8, 3x² + 7x। ठीक है, अब जैसे ही तुम इस पद को पूर्ण अंदर गुणा करोगे, पहली बार में इससे ये कटेगा, क्या बचेगा, x³ + 7x + 9 और गुणे में आ जाएगा 2x - 5। जैसे ही इसको इस पद से गुणा करोगे, इस पद से ये पद कटेगा, ये बचेगा x² - 5x + 8 और गुणे में क्या आ जाएगा, 3x² + 7x। इन सबको जब सरल करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा, और सरल करने पे जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, 5x² - 45x² - 52x - 20x³ + 11। ठीक है, यही आंसर आएगा। तो तुम तीन अलग अलग मेथड है, लेकिन जब हम हल कर रहे हैं तो आंसर तीनों का सेम आ रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था हमसे कि भैया मेथड तीन अलग अलग है, कोई तो मेथड हम यूज़ करें लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब उसी पर आधारित ये 18वां क्वेश्चन है, कह रहे यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स के फलन है, तो दो विधि द्वारा, एक है मतलब प्रथम गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकंड, और दूसरा है लघुगण की विधि द्वारा इसको सिद्ध करना है। इसको अगर यू वी डब्ल्यू का अवकलज करें तो ये आता है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, दो नियम है हमारे पास। ठीक है, माना जो वाई है बेटा वो यू वी एंड डब्ल्यू है। ठीक है, सो पहला नियम हम लगा रहे हैं, जो फर्स्ट इंटू सेकंड,
इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। पहला नियम लगा दें, पहला नियम कौन सा लगा रहे हैं? गुणनफल। ठीक है, सो ये y का प्लस क्या हो जाएगा, dy वाई बट्टे डी एक्स पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, फॉर्मूले में रखा अभी हमने, अब इसको खोलेंगे। यू वी डब्ल्यू का अवकलज हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू वैसे का वैसे, इसमें अब फर्स्ट एंड सेकंड लग जाएगा, क्या लगेगा बेटा, फर्स्ट वैसे का वैसे गुणे सेकेंड का अवकलज, सेकेंड वैसे का वैसे गुणे फर्स्ट का अवकलज। डब्ल्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा यू वी यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वी डब्ल्यू और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। ढंग से लिख देंगे ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो देखो ये डी यू अपॉन डी एक्स, इसके साथ क्या है वी डब्ल्यू, फिर क्या है v, यहाँ से आ जाएगा देखो u w और यहाँ से आ जाएगा d, गुणा में आगे पीछे हो सकता है उसे फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से आ जाएगा u v d w बट्टे डी एक्स, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था आपको, आराम से हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड से दपाक से हो गया, अब आओ सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का नाम है लघु गणकीय, लघु गणकीय विधि, मतलब लॉग लॉगरिथम मेथड। ठीक है, लॉग लेना है, सो ये वाई माना है हमने इसको, यू वी डब्ल्यू दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, बल्कि ये ज़्यादा आसान है, अब क्लस करेंगे, लॉग वाई का क्या होगा बेटा वन अपॉन वाई, और वाई का प्लस क्या हो जाएगा बेटा डी वाई बट्टे डी एक्स, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो किया नहीं हमने, लॉग यू प्लस लगा दिया, देखा दिमाग में उल्टा चल रहा है ना, ये गुणे में है सब। ठीक है बेटा, अब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, है ना, जितने भी मल्टीपल्स में होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं। लॉग यू का प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा वन अपॉन यू, और यू का प्लस क्या होता है डी यू अपॉन डी एक्स, वी का प्लस क्या होगा वन लॉग वी का वन अपॉन वी, और वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, लॉग डब्ल्यू का हो जाएगा वन अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू का प्लस क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा सबके साथ, है ना, तो वाई का मान रखना पड़ेगा हमें, वाई सबके साथ गुणे में आएगा, और वाई का मान क्या है डी यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू बट्टे यू डी यू बट्टे डी एक्स, वाई इसके साथ भी आएगा यू वी डब्ल्यू बट्टे में वी डी वी बट्टे डी एक्स, यू वी डब्ल्यू बट्टे में डब्ल्यू डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स, यू से यू कटा, वी से वी कटा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटा, यहाँ से वी डब्ल्यू डी यू बट्टे डी एक्स, यहाँ से यू डब्ल्यू डी वी बट्टे डी एक्स, और यहाँ से यू वी डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स। ठीक है बेटा, आपको यही सिद्ध करना था, आ गया, और अगर आपको y का मान पता ही है, y का मान क्या है यू वी डब्ल्यू, है ना, यही इसको आपको ये सिद्ध करना था, हो गया। तो इस सारे क्वेश्चनों को हमने सिंपल वे में सॉल्व कर लिया है, आशा करता हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, और अपना प्यार ज़रूर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है प्लीज़।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।